श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरदास। और यहाँ बैठे हैं हमारे प्यारे कन्हैया। और यहाँ ये जो है बैठ के क्या कर रहा था लाला? ये तो मुझे तो बजाना भी नहीं आता, तुम्हारे भजू। अरे मत कर, यहाँ खुशी पड़ रही है। और ये साथ में जो है ये यहाँ बैठे हैं। भैया मुझे नहीं समझ में आया तुझे कछू। देखो हमारा लाला सब समझ रहे, हमें कछु समझ ना आ रही। लेकिन और यहाँ बैठी है, यहाँ सॉरी यहाँ रखी है उनकी खटिया। यहाँ पे आके कभी कभी जब इनको खेलना होता है ना रूम में, तो यहाँ पे भी आके लाला बैठते हैं। और बाकी सभी लाला जो है यहाँ बैठे हैं। ये देखिए मस्त मस्त इनका मतलब मस्त चल रहा है सब, बढ़िया बढ़िया। यहाँ बैठी हमारी प्यारी लाडो, आज वो सिंपल मेकअप में है ये देखिए। और मैं हॉस्पिटल जाने वाली थी लेकिन मैं आज नहीं जा पाई, और अब देखती हूँ मैं कब जा पाऊँगी। और यहाँ बैठा है हमारा प्यारा गोलू, ये देखो। मैं मंडे को देखती हूँ कि शायद चली जाऊँ, बाकी देखो क्या होता है। यहाँ बैठा है प्यारा केशव, कितना प्यारा लग रहा है केशव। हे भैया, क्या कर रहा है ये देखो, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है ये। अब ये आराम से, अब इनका रेस्ट का समय हो गया है तो ये अब रेस्ट करेंगे। खुशी भी इनके कमरे से भाग जाएंगी, भगाएंगे अभी ने यहाँ से, है ना। भगा दो भाई, भगा दो, भगा दे गोलू, खुशी को भगाइए यहाँ से। ये परेशान करती रहती है, ये ना पढ़ती कम है और यहाँ बैठ जाती है इनके रूम में। और उधर से गोलू कुछ ना कुछ कहता रहता है, और ये फिर बाद में आके मुझे बताती है गोलू ऐसे बोल रहा था, केशव ऐसे बोल रहा था। और यहाँ आके ना ये बैठ जाती है, ऐसे पढ़ाई नहीं होगी, ठीक है ना। फिर बच्चों का नाम नहीं खराब करना मेरे, कितने प्यारे बच्चे हैं। वो कुछ कहते भी नहीं है, गोलू तो कुछ भी नहीं कहता है ना। बहुत सीधा है सच में लाला, सच में बहुत सीधा लाला है वो, सबसे ठीक है ना, सीधा। बहुत सीधा लाला है वो। और हाँ मैं आप सबको ये बताने वाली थी, समय नहीं मिल पाता, बातें बहुत हैं। और बहुत सारी आपके प्रश्न भी हैं, वो भी मुझे बताने हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि 2 दिन मुझे ना मांडरी वाली माता की जो है ना उनका मंदिर, उनके दर्शन और उनकी मतलब सीढ़ियाँ, वो सब सब मुझे दिख रहा है। और मैं ये जानती भी मतलब जानती नहीं, वो नाम जो है बहुत जाना पहचाना मुझे लगा। और मैं बहुत ना मतलब उसमें हो गई, कंफ्यूज हो गई कि भगवान ये कौन सी माता है। फिर मैंने गूगल पे सर्च मारा तो मांडरी वाली माता है। भगवान मैं तो शॉक्ड हो गई कि हुआ ये कि ये जब मेरे को कैंसर हुआ था ना, तो वो ग्वालियर कैंसर हॉस्पिटल में ही मेरा कीमोथेरेपी हुआ था, ऑपरेशन मेरा आगरा में ही हुआ था। तो उसके बाद जो है जब कीमोथेरेपी के लिए जाते हैं ना, तो जिस हॉस्पिटल में है तो पहाड़ी से होते हुए जाना होता है, तो उस पहाड़ी पे पहले ये मांडरी वाली माता का मंदिर पड़ता है ग्वालियर में। और जब मेरी कीमोथेरेपी चल रही थी तो मुझे वहाँ पे 6 दिन मतलब मेरा कीमोथेरेपी चलता था, दिन रात का मतलब चलता था। तो उस समय पे जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी तो मुझे वो मंदिर में आना बहुत अच्छा लगता था, नीचे उतर के आना होता था। तो क्योंकि जब हम चढ़ाई पर चढ़कर जाएंगे तो वो मंदिर पहले पड़ता है साइड में ऑन रोड, और जब उतर के आते हैं तो वो नीचे आएगा। तो मैं हमेशा उस मंदिर में जाने की ज़िद करती थी, और मैं 2, 4, 5 बार उस मंदिर में गई और मुझे बहुत आनंद मिलता था। देखिए मुझे मन्नतें या ये सब मांगना तो नहीं आता, ना ही मैंने कभी मांगा। मैंने तो हमेशा हर चीज़ को प्रभु की इच्छा समझा, किसी भी चीज़ को। तो अब 2 दिन से मुझे ये स्वप्न जो है आ रहे हैं। तो मैं ना बड़ी मतलब मैं नाम ही भूल गई, देखिए बिल्कुल नाम भी थोड़ा अनकॉमन था तो मेरे को ना नाम भी याद नहीं था। लेकिन मैं सुबह उठी तो ये मांडरी वाली माता यही सब कर रही थी, तो मैंने कहा पता नहीं ये क्या है। तो तभी सोना कहती है कि अरे मांडरी वाली माता तो हमारे जहाँ वो रहती है महाराष्ट्र में, मतलब जहाँ से उसका लिंक था सोना का, वहाँ पे उनके यहाँ ये कुलदेवी मानी जाती है, मतलब महाराष्ट्र की ये कुलदेवी हैं। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ये तो मैं नहीं जानती, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। फिर मैंने जल्दी से गूगल पे सर्च मारा तो जिस मतलब मांडरी वाली माता जो है ये वही मंदिर है जहाँ मैं जा चुकी हूँ, और मुझे 4 साल हो गए हैं मतलब वहाँ मैं नहीं गई हूँ। तो मुझे उसका नाम देखिए याद नहीं रहा, जो सत्य है ऐसा कुछ नहीं। तो मतलब बहुत
अलग ये बात लगी मुझे कि उनकी कुलदेवी है और मुझे दर्शन प्राप्त हुए, ये क्या है, मैं कुछ नहीं जानती। और साथ ही साथ फिर मेरे को बहुत अच्छा भी लग रहा था, और अब जब जाएंगे तो सोना भी साथ जाएंगे तो वहाँ पे वो दर्शन भी होंगे अब साथ जाएंगे तो। और जब मैंने फिर उनका इतिहास भी फिर जानने की उत्सुकता बढ़ गई कि भाई मैं और इनके बारे में जानूँ, तो तब मुझे पता कि सिंधिया जी के जो सिंधिया महाराज जो आप जानते हैं, सिंधिया पैलेस जो है ग्वालियर में, और वहाँ पर ही उनका मतलब उन्हीं का चलता है पूरा। तो ये पेशवा से रहे हैं और उनको स्वप्न दर्शन मिला था मांडरी माता का, और उन्हीं ने उन्हीं की याद में या उनके स्वप्न दर्शन के आदेश पर उन्होंने ये माता का मंदिर जो है ग्वालियर में जहाँ कैंसर हॉस्पिटल है उसके आसपास उन मतलब मंदिर को बनाया। तो ये माता मंदिर जो है वहीं पे स्थापित है, और कहते हैं कि बहुत मान्यता है इनकी। अब देखिए मैं भी मान्यता मानूंगी ही, क्योंकि मेरी खुद की इच्छा वहाँ होती थी और मैं गई भी हूँ वहाँ पे, और अब 2 दिन से उनके दर्शन प्राप्त होना, कुछ तो है भाई, या फिर वो मुझे याद कर रही है या मैं उनको याद कर रही हूँ, या मुझे दोबारा शायद हॉस्पिटल जाना है, मुझे कुछ नहीं पता है कि ये क्या है लेकिन ये सब थोड़ा सा ना अलग सा लगता है, अब थोड़ा सा अलग लगता है, पहले ये सब बहुत वो था और अब कुछ अलग है। तो कभी कभी बुद्धि भी काम नहीं करती है कि ये क्या है, क्योंकि ये बहुत अलग चीज़ है कि यहाँ पर ग्वालियर में वो मंदिर है या वो माता का मंदिर है, उनकी काफ़ी मान्यता है, और अब हम जाएंगे तब जाके ये जो है पता चलेगा, और मैं उसके बारे में आपको पूर्ण रूप से तब और बताऊंगी कि और क्या मतलब क्यों क्या कैसा है मुझे नहीं पता, या फिर दर्शन दिलाकर उन्होंने मुझे ये याद दिलाने की कोशिश की है कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। हो सकता है कहीं बातों बातों में मैंने कभी कुछ कहा हो, वैसे तो मुझे याद है कि मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं, लेकिन हाँ मैं जब भी किसी मंदिर में गई हूँ तो हमेशा एक तो मैंने बोला ही है कि प्रभु आप जब भी याद करेंगे तो मैं आऊँगी, तो ये भी हो सकता है। तो बाकी तो देखते हैं जो भी होगा, लेकिन बहुत अच्छा लगा, और यहाँ पर जाकर मैं आप सबको भी उनके दर्शन कराऊंगी। अब कब जाना होगा ये 100% तो नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ मैं जब भी जाऊंगी आप सबको ज़रूर दर्शन कराऊंगी। एक ये चीज़ भी थोड़ा सा हम दोनों का मैच किया, बहुत अलग, मेरे को तो पता ही नहीं था कि महाराष्ट्र में इन माता को बहुत अधिक मतलब मान्यता है, बहुत अधिक माना जाता है, मैं नहीं जानती थी, ये चीज़ मुझे अभी पता चली। हमारे लिए सारी शक्तियाँ सब शक्तियाँ हमारी राधा रानी की ही है, मेरा तो यही मानना है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ जहाँ माता की शक्तियाँ हैं वो सब याद कर रही हैं और हमें जाना चाहिए, और जहाँ हमको याद किया जाएगा या हमें याद दिलाया जाएगा या हमें कोई ऐसा हिंट दिया जाएगा या हमारी इस तरह की व्यवस्था बनाई जाएगी तो हम पूर्ण रूप से वहाँ पर हाजिर हो जाएंगे। और आप सबको क्या लगता है, आप सबको तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, या आपको क्या लगा मतलब मेरी बात सुन के, मतलब मैं मतलब एक उत्सुकता होती है ना मन में, अब लगता है अब, क्योंकि हर चीज़ बहुत बहुत अलग होती जा रही है। मतलब सोचिए जिस चीज़ के बारे में मैं आज से 2016 में वहाँ के दर्शन किए, जब कैंसर था कीमोथेरेपी के टाइम में उस मंदिर में जाती थी, और उसका उनका नाम भी थोड़ा अलग था तो कभी याद नहीं रहा, है ना, आप जब गए हो कीमोथेरेपीज़ के लिए तो तब आपको याद रहा, उसके बाद आपको याद ही नहीं रहा, और अचानक से अब 4-5 साल के बाद उनका अचानक से मेरे स्वप्न में आना, ये सब क्या है, तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, मैं इंतज़ार करूँगी। मुझे अच्छा लगता है सुनने में और कुछ जानने की भी लगता है, क्योंकि सबके सबके पास बहुत अधिक ज्ञान है, सोच है, सबके सोच को लेना चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार हम लोग बहुत अच्छे से जान पाते हैं किसी भी चीज़ को, क्योंकि एक ही अकेला मानव हर चीज़ नहीं जान सकता है ना। तो आपको क्या लगता है तो ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, श्री हरिदास।